हेलो सो वेलकम बैक टू टाइगर्स अगेन और आज अभी जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेनली इट इज़ अबाउट द कैलेंडर जो मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है और मैंने आपको उसको टेलीग्राम पे जो इस जगह पे मैंने आपको यहाँ पे देखो टेलीग्राम पे दिखा भी दिया था ऑलमोस्ट लगभग आज तीन तीन बीस के आसपास मैंने एक फ़ोटो भेजी थी आपको जिसमें मैंने इस बार लास्ट टाइम हमने सत्तर लॉट का कैलेंडर डाला था इस बार मैंने अस्सी लाट लॉट के आसपास का कैलेंडर डाला है और इसका अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल हम मैंने क्या सोचा क्या मेरा व्यू था और क्यों मैंने ये बनाया है सिंपल ओके okay. तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें करते हैं अगर टेलीग्राम पे अभी भी थीटा गिनर्स को आपने ज्वाइन नहीं किया है फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो थीटा गिनर्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन करो आपको यहाँ पे इंटर रिलेटेड एल्गो रिलेटेड एंड कैलेंडर रिलेटेड सारी इफॉर्मेशन यहाँ मिलती रहेगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते देखो सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने का जो मेन पर्पज़ होता है या मेन थॉट होता है वो एक व्यू के साथ आता है तो मैं अभी अपना व्यू बताता हूँ फॉर द निफ्टी क्योंकि मैं कैलेंडर्स मोस्टली निफ्टी में करता हूँ यहाँ पे आप देखोगे कि इस जगह पे ये जो प्लेस है जो मैं समझता हूँ कि मार्केट ने जहाँ पे इम्पल्स मूव दिखाया इम्पल्स मूव मतलब मार्केट यहाँ से तेजी से मूव किया देन एक पॉज लिया फिर एक मूव किया ठीक है अब मार्केट स्लोली स्लोली क्या कर रहा है ना इस पूरे मूव के सेंटर पार्ट पे धीरे 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 आ रहा है ठीक है अब धीरे धीरे आ रहा है तो अब यहाँ पे आप देखो एक बिल्कुल एक शार्प ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई दिखेगी और मार्केट इसी के नीचे चलता चला रहा है चलता चला रहा है चलता चला रहा है पिछली बार यहाँ कहीं इस जगह पे हमने कैलेंडर बनाया था और हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया करेक्ट है हमने ऑलमोस्ट दो से ढाई परसेंट ऑन कैपिटल बनाया और एक अच्छा प्रॉफिट था वो अभी फिर से मार्केट इसी जगह पे घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है और अभी भी हम आप अगर देखो तो ये जगह ये जगह ये जगह ये काफ़ी गैप्स लेके चल रही हैं और मार्केट में यहाँ काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी तो इसका मीनिंग मैं इतना ही समझता हूँ कि इस जगह पर बायर्स मार्केट को इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं और वो बार-बार 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 स्पाइक मारता रहेगा ऊपर की तरफ तो मेरा जो व्यू है मार्केट को लेके ऑन द डेली बेसिस मेरा व्यू ये है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ को मूव करके फिर साइड डाउन आए तो ये एक बिग वॉलेटाइल एरिया की तरह काम कर सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि 19800 के आसपास और नीचे की तरफ लगभग 18900 के आसपास ये रेंज है जो मुझे कवर करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी ठीक है नेक्स्ट वीक से मेरा मतलब 24 तारीख नहीं है मतलब ये दो दिन तीन दिन बाद नहीं है मेरा मतलब है अगली जो मंथली एक्सपायरी है अगस्त की उससे मेरा मीनिंग है तो चलिए उसके लिए मैं क्या क्रिएट किया है? मैंने मैं आपको दिखाता हूँ ये आपके देखो यहाँ पर मैंने सिम्पली ये रहा ट्रेड यहाँ पर आप देखोगे सिंपली मैंने आ, हंड्रेड ये रहा देखो हंड्रेड लॉट्स का ये वैसे तो बट मैंने इसको एटी लॉट में क्रिएट किया है क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं लास्ट में डिप्लॉय नहीं कर पाया तो यहाँ पे आप सिंपल देखो कि मैंने उन्नीस हजार का पुट एक बेचा है बाईस रुपए के आसपास और उन्नीस सात सौ का एक कॉल बेचा है बीस रुपए के आसपास ये देखो सिमिलर उसके अगेंस्ट में मैंने देखो जो पुट बाई किया है वो अठारह आठ सौ पचास के आसपास है जो कि डेढ़ सौ पॉइंट दूर है और जो कॉल है वो सौ पॉइंट दूर है उसको मैंने बाई किया है उन्नीस आठ सौ के आसपास ये सारा कुछ करने के बाद देखो इसमें स्ट्राइक्स ना ऊपर नीचे थोड़ी हो गई मैं इसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रॉफिट है वो फाइव परसेंट के आसपास है ऑन कैपिटल ओवरऑल ठीक है और मैंने इस बार ना थोड़ा ट्रेड में डेबिट दे दिया है डेबिट आप समझ रहे हो मैंने बाइंग में प्राइसेस थोड़े ज़्यादा दे दिए हैं यहाँ पे आप मैं मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये देखो ये ट्रेड है जो हमने डिप्लॉय करी है ये रहे पूरा नॉर्मल ऑर्डर्स ये रहा है पूरा नॉर्मल मॉडल आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल में लगभग इक्कीस हजार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है क्यों क्योंकि तीन लेग अच्छे प्रॉफिटेबल हैं एक लेग में कोई कुछ खास लॉस नहीं है आप इसको इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे आप देखोगे लगभग सत्ताईस हज़ार ऑलरेडी चल रहा है इट इज गिविंग इसको हटा दें हम तो ये कुछ इक्कीस के आसपास का प्रॉफिट ही दे रहा है ये ऑलरेडी ठीक है इसमें आप देखो जो सेलिंग है सेलिंग क्या है उन्नीस हजार और उन्नीस हजार सात सौ का कॉल है दोनों सेलिंग है बाइस और अठारह रुपये पे और अगेंस्ट में बाइंग देखो क्या है बाइस की जगह जो बाइंग है अगेंस्ट में वो है पच्चीस रुपये और यहाँ पे अठारह के अगेंस्ट में जो बाइंग है वो सत्ताईस जैसे क्रेडिट नहीं है इट ज़्यादा रहे हैं आ गया। देखो, ये जो छोटा सा रेड एरिया दिख रहा है यहां पे हमें जो छोटा सा लॉस है जो सेंटर पॉइंट पे वो लॉस है पंद्रह हजार रुपए के आसपास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैं इस जगह को भी ग्रीन करने का ट्राई करूंगा कि मैं इसको ग्रीन कर दू और यहां पर कुछ भी ना बचे थे इस वक्त मार्केट में एक बड़ी रेंज है हमारे पास और 31 तारीख मतलब हमारे पास 9 से 10 दिन है ओवरऑल टू गेन परसेंटेज एंड गेन प्रॉफिट ठीक है मैं ट्राई करूंगा कि विद इन वन या टू डेज में इसका बीच का ये पार्ट रेड जो है इसको मैं हटा दूं यहां से और दूसरा मेरा ये एक व्यू है कि मार्केट मूव करेगी मार्केट सिर्फ इतने डेढ़ परसेंट डेढ़ परसेंट बोलो सॉरी एक परसेंट ऊपर नीचे नहीं रहेगी मार्केट पक्का मूव करेगी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो मार्केट बहुत ही पतले ट्रेंड लाइन में चल रही है कितना टाइम हो गया काफ़ी टाइम ये देखो जुलाई मिड से लेके अभी बहुत ही पतले टाइम फ्रेम पे चली जा रही है चली जा रही है कोई मूव नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहां पे मूव कर सकती है और उस मूव का फायदा उठाने के लिए ही मैंने सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया है उसको मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आउटसाइड में थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा क्रिएट करने का ट्राई किया है और मैंने ये ट्राई किया है कि मार्केट अगर इस जगह से इस पॉइंट से अगर डेढ़ परसेंट दो परसेंट मूव भी कर जाती है किसी दिन किसी दिन निफ्टी में ज़्यादा अच्छा मूव आ जाता है तो मेरे एम टी एम स्विंग में मुझे लॉस ना दिखे और आप ये चीज़ ब्लू लाइन में देख सकते हो आराम से कि मुझे लॉस नहीं दिखेगा इवन आफ्टर मार्केट मूव थ्री हंड्रेड डेढ़ सौ तीन सौ पॉइंट आराम से मूव करती है तो मुझे आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं इसको आराम से मैनेज कर पाऊंगा दैट इज़ माई व्यू ऑलरेडी क्लियर है हमारे पास यहाँ पे वीगा आ, हैवी है आप देखोगे चालीस हजार का वीगा है ग्यारह हज़ार का थीटा है क्यों थीटा ये इंक्रीज होता जाएगा डे बाय डे जैसे मार्केट आगे जाएगी और यहाँ पे वीगा धीरे 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 डिक्रीज होता चला जाएगा अगर हाँ मार्केट में वॉल्टिलिटी तेजी से डाउन आ गई मतलब जैसे अभी हम विक्स पे जाए देखें कि विक्स कितने का है तो अगर विक्स यहाँ से लो जाता है तेजी से तो हमें फिर प्रॉब्लम होगी जैसे कि यहाँ पर आप विक्स देखोगे अभी इस वक्त ग्यारह छियानवे पे विक्स यहाँ से लो होके दस पे आ गया तो हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम होगी क्योंकि कैलेंडर का प्राइस गिरने लगेगा तो हम क्या ट्राई करेंगे कि ये जो कैलेंडर दोनों इनको हम और धीरे से इनका कम कर सके या फिर किसी भी तरफ शिफ्ट करके ज्यादा क्रेडिट ले सके आफ्टर टू थ्री डेज जब मैं थोड़ा एक एरिया क्रिएट कर लूंगा मुझे लगेगा कि सेफ, उस जगह पर हम थोड़ी शिफ्टिंग करेंगे और उससे हमें थोड़ा प्रॉफिट बेहतर मिलेगा इस वक्त यहाँ पे 47 सेवन लैक्स दिख रहा है बट मैं आपको इस चीज को और अच्छे से बता दू कहा गया एनालाइज ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप बिल्कुल मिड में मिडमेम प्रॉफिट अच्छा चल रहा है इक्कीस हज़ार का प्रॉफिट है ठीक है उन्नीस आठ सौ का ऊपर की तरफ रेंज है और अठारह नौ सौ का नीचे की तरफ रेंज है एट्टी टू परसेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है बिल्कुल जो हम यहाँ पे चार्ट में चाहते थे बिल्कुल हमें वही देखने को मिल रहा है और वही हमारे पास अवेलेबल है तो हम अपने बिल्कुल फुल प्लान के साथ जा रहे हैं हमने प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं जो चार्ट बोल रहा है हमने उसी बेसिस पे एक ट्रेड बनाई है ठीक है अब मैं अगर इसमें आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर मार्जिन वगैरह क्या कैसा लग रहा है सब कुछ तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे मार्जिन नीडेड इज अराउंड 40, 40 के आसपास का मार्जिन नीडेड है पिछली बार का जो मार्जिन है आपको याद होगा पिछली बार का मार्जिन हमें लगा था लगभग चौतीस लाख के आसपास ठीक है ओवरऑल हम एक ठीक ठाक 5% परसेंट के प्रॉफिट पे जा रहे हैं प्रॉबर्टी ऑफ प्रॉफिट 82% परसेंट है राइट नाउ एज पर द स्टैंडर्ड डेविएशन राइट नाउ ठीक है एक एक दिन करके डेली में आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे आपको मैं अपडेट देता रहूँगा डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कब कहाँ पे कैलेंडर में क्या चेंजेस आ रहे हैं जस्ट लाइक द अर्लियर वन पिछला आपको याद होगा पिछला कैलेंडर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था यहाँ पर आप देखोगे धीरे धीरे मैं अपडेट करता रहता था और उसमें हमने एक लाख पाँच के आसपास बुक किए थे इसका भी मैं टारगेट ये रखूँगा कि एक लाख क्रॉस पे मैं अच्छा एक प्रॉफिट बुक कर सकूँ दैट विल बी माई मेन गोल ठीक है वहां हुआ है तो प्रॉफिट अदरवाइज अगर ये हमें लगभग के लगभग समझ लो पचास हज़ार साठ हजार भी लॉस पे जाता है मैं तब भी इसको क्लोज कर दूंगा मैं नहीं सोचूंगा मैं ट्राई करूंगा कि मैं वन एस टू वन पॉइंट फाइव का रिश्केट रेशिया रखूँ जबकि ये दस में से आठ बार सक्सेसफुल है तब भी मैं वन एस टू वन पॉइंट फाइव रखूंगा क्योंकि मुझे आगे जाके तीस पैंतीस परसेंट साल का इससे निकालना है ठीक है डन है एल्गो का परफॉर्मेंस का वीडियो मैंने डाल दिया ऑलरेडी आज कॉस्ट टू कॉस्ट एल्गो थी एल्गो ने आज कोई खास बहुत परफॉर्म नहीं किया है बट इट वॉज फाइन फॉर टुडे और मैंने उसका डाल दिया ऑलरेडी एंड वन मोर थिंग आप सब लोग यहाँ देखोगे कि हमने फाइनली 300 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं इसका मतलब केक वेक कटेगा कुछ अगर मैंने किया तो उसका एक अच्छा वीडियो बना के मैं डालूँगा और एक बहुत ही मतलब मेरे साथ देखो मेरी जर्नी चाहे स्लो रही हो या कैसी भी रही हो बट मैंने एक ऑर्गेनिक अपनी एक फैमिली क्रिएट की यूट्यूब की और सब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया इवन जो भी मैंने कभी कुछ नया चीज़ लाया या कुछ भी नया वीडियो बनाया कभी भी तो आप सब ने हमेशा बहुत ही उससे लिया है और बहुत अच्छा सपोर्ट किया है तो सबका दिल से धन्यवाद और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मैं हमेशा अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा ठीक है और मैंने कभी सोचा नहीं था वैसे कि मैं तीन सौ के पहुँचूँगा ठीक है ये हंड्रेड टू हंड्रेड के दैट वॉज़ इट फॉर मी बट आपने उस लेवल तक मुझे पहुंचाया जहां पे मैंने सोचा भी नहीं था कभी तो सबका बहुत ही दिल से शुक्रिया चलिए मैं थ्री हंड्रेड के का कुछ अगर रखता हूं तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा बट या तीन सौ के पे मैं एक क्यू ए रखने का प्लान कर रहा था कि मैं एक लाइव क्यू ए रखूँगा जिसमें आप किसी भी तरीके से कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू ट्रेडिंग पर्सनल लाइफ एल्गो एनीथिंग जो आपकी मर्जी हो आप पूछ सकते हो मैं मे बी नेक्स्ट वीकेंड जब थोड़ा फ्री रहूँगा उस टाइम पर हम करते हैं ठीक है और अगेन थैंक यू और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना टाटा बाय बाय थैंक यू